हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अनसॉल्व पेपर अगर लगा के देख रहे होगे तो उसमें हर साल लगभग लगभग एक दो साल में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हुआ है, ठीक है। और आप किसी न किसी चैट में आपको हर साल की ये मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके रिजल्ट दो आते हैं। कब आते हैं ध्यान समझना। पहले आपको दिया, यदि 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y प्लस 10 वर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z इक्वल टू xyz। अब दूसरे सवाल में क्या करेगा, ये सब कुछ सेम देगा, बस यहाँ पाई की जगह क्या कर देगा, पाई बाई टू। तो आपसे रिजल्ट दूसरा पूछ लेगा, रिजल्ट आपसे क्या करेगा, दूसरा पूछ लेगा, ठीक है। सवाल एक ही है, करने का तरीका पूरा एक ही होगा। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जरूर याद होना चाहिए सूत्र क्या होता है। अगर 2 10 प्लस में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस xy, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद होगा उम्मीद है। तो देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, 2 10 नहीं 3 10 दिए, तो 3 10 का भी डायरेक्ट होता है, लेकिन आप डायरेक्ट करोगे तो आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है तो पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, एक आध वैसे सही होता है करना, लेकिन आपको इसी फॉर्मूले से करना है, दो दो को मान के करोगे, ठीक है। आप 3 का भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y और प्लस 10 इनवर्स z इक्वल टू में क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का xyz अपॉन में 1 माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। ये तब होता है जब ये 3 10 दिए हो, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ओके। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से लगाएंगे दो दो करके। तो हमने क्या, ये x है और ये y, इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस xy, और ये जो था उसको ऐसे लिख लो, प्लस 10 इनवर्स z, ओके। अब इसको एक बार फिर से x मान लो और इसको क्या मान लो, y। अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप तो क्या बनेगा, 10 इनवर्स x, x की जगह कितना है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy, x आ गया हमारा, प्लस y, y की जगह कितना है, z अपॉन 1 माइनस x, x की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy और इनटू में y की वैल्यू z, ओके। अब देखो बराबर में क्या दिया आपको, पाई, तो बराबर में आपने पाई लिख लिया। अब एक चीज आप जानते हो कि इनवर्स को अगर हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो इनवर्स का साइन हट जाता है, तो ये 10 इनवर्स उधर जाएगा तो हट जाएगा साइन, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस xy, 1 माइनस xy, और इस 10 को उधर भेज दें, तो एलसीएम लेने का, देखो सेम एलसीएम तो ऊपर वही नंबर लिखेंगे, x प्लस वाई और ये प्लस, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड से, तो 1 से जेड का मल्टीप्लाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा -xy z। ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 माइनस xy, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस xy, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो 1 माइनस xy, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो जेड के साथ में, तो माइनस का xz और माइनस का yz, तो माइनस का ही हो जाएगा yz और माइनस का zx इक्वल टू में 10 उधर जाएगा तो 10 पाई बन जाएगा, 10 पाई बन जाएगा, ये 1 माइनस xy 1 माइनस xy आपस में कट गए, ठीक है। अब बचा क्या, वो लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का xyz अपॉन में 1 माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx इक्वल टू में 10 पाई। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, आप जानते हो 10 पाई कितना होता है, 0, तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई 0 से 0, ये बराबर में क्या आ जाएगा, बन गए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो यही आ गया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। अब ये उधर चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, इतनी सिद्ध, यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, दैट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और साइड में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला जरूर लिखोगे, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देख लो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख के जरूर जाना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या कर देगा, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, यहाँ भी पाई बाई टू हो जाएगा, तो आप जानते हो यहाँ भी पाई बाई टू, और 10 पाई बाई टू कितना होता है, इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 0, ठीक है। अब की बार क्या होगा, ये वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी,
ये वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, यहां पे हटा, इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, ठीक। तो अब देखना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसके बराबर में जीरो आ जाएगा, तो वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में जीरो। अब ये देखो, ये तीनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में वन। तो आपसे ये रिजल्ट पूछेगा, क्या पूछेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू में वन सिद्ध करो, ठीक है। तो दूसरा क्या पूछेगा आपसे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू में वन। तो ये दोनों एक क्वेश्चन से आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, बस आपको यहाँ पे पाई बाई टू करते चले जाओ। पाई बाई टू का मान वन इनफाइनाइट, वन अपॉन जीरो, अगर पाई होगा तो जीरो, ठीक है, जीरो अपॉन वन। बाकी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में है तो कमेंट जरूर करो, ताकि मैं उन क्वेश्चन को भी कराऊंगा, ठीक, ओके। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, जय।